का दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड एट जेस्टो मनी गुरु एंड तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 12 अगस्त सन 2023, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं मलेशिया पाम ऑयल के बारे में। मलेशिया के अंदर पाम ऑयल का जो बकाया स्टॉक है वो 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुँच गया है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। कुआलालंपुर के पाम ऑयल बोर्ड द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है कि बीते जुलाई महीने के अंत में मलेशिया में पाम तेल का स्टॉक बढ़ता हुआ 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड के अनुसार बकाया स्टॉक की वृद्धि दर उम्मीद से नीची रही है, क्योंकि निर्यात में अनुमान से अधिक वृद्धि हुई है। मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड के अनुसार विश्व में पाम तेल के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश में एक महीना पूर्व की तुलना में आलोच्य जुलाई 2023 में पाम तेल का बकाया स्टॉक 0.68% सुधर कर 17.30 लाख टन हो गया है। बकाया स्टॉक में लगातार तीसरे महीने वृद्धि हुई है। बकाया स्टॉक 17.90 लाख टन के स्तर पर पहुँच सकता है, ये कहना है हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार, और उस सर्वे का जो निष्कर्ष है उसमें ये बात सामने आई है। पिछले महीने की अपेक्षा में 4.20% की वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया गया था। बोर्ड ने अपने नवीनतम आंकड़ों में बताया है कि समीक्षागत जुलाई महीने में क्रूड पाम तेल का उत्पादन 11.21% उछलकर 16.10 लाख टन का हुआ। इसका नवीनतम स्तर बीते जनवरी महीने के बाद का सबसे ऊंचा है। इस दौरान निर्यात भी 15.55% उछलकर 13.50 लाख टन का हुआ, जो कि उम्मीद से काफ़ी ऊंचा है। तो ये था आज के बाजारों का आकलन। उम्मीद है आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय स्टोमनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।